Hello Pisces, welcome to my channel Dream Tarot and this is your mid-month reading October 2022. ये आपकी October month की mid-month reading है और ये एक general reading होगी जो कि आपसे resonate कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है. आप सिर्फ उन messages को consider करें जो आपसे resonate करते हैं. इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू इन मिड मंथ ऑफ अक्टूबर टिल द एंड ऑफ द अक्टूबर. ओके, फर्स्ट कार्ड इज हियर पाइसेस, Knight of Wands. Someone maybe यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो कि एक्शन नहीं ले रहा, या तो आप या फिर आपके पर्सन, किसी की तरफ से एक्शन मिसिंग है, या कोई बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से डील कर रहा है सिचुएशन को, या तो आप या फिर आपका पर्सन. ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी मैसेजेस वन बाई वन. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या यहाँ पे मुझे स्लो एनर्जी बहुत ज़्यादा, एक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है और एक एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, लाइक फास्ट और स्लो. एक यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, और एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे है कि लाइक बहुत ज़्यादा उसमें है इत्मीनान में कि होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा. अगर देर हो रही है सवेर हो रही है उनको कोई परवाह नहीं है. इस तरह का कोई एक पर्सन है और दूसरा पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि कब वो जो है हम एक होंगे. सो यहाँ पर या कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, स्लो प्रोसेस है और लेस एक्शन है और लेस मूवमेंट है इस रिलेशनशिप में. तो एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है यहाँ पे, स्लो प्रोसेस इज़ गोइंग टू एंड. ओके, या तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई एक पर्सन एक्शन नहीं ले रहा और कमिटमेंट में भी देर लगा रहा है, ऐसा भी हो सकता है. ये एक ही पर्सन की एनर्जी हो सकती है, एक ही पर्सन के ट्रेट्स हो सकते हैं ये दो, कि एक पर्सन वो पर्सन बहुत ज़्यादा देर भी लगा सकते हैं कमिटमेंट ऑफर करने में और उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है, या तो आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से कुछ एंड हो रहा है. या ये सिचुएशन एंडिंग की तरफ जा रहा है, ये रिलेशनशिप. ओके, सो देखते हैं कि वन बाय वन कार्ड चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी cards one by one. So what is coming after this the world card, ace of wands. So एक नई शुरुआत या एक नई beginning, एक चीज़ ख़त्म है कि नई शुरुआत हो रही है. star end of the bad cycle. तो ये जो भी एंडिंग है यहाँ पर, ये बैड साइकिल की एंडिंग है, ठीक है. या कोई पर्सन जो है लाइक पाइसेस, आप एक ऐसे रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं जिसमें कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है. और आप अपने आप को हील कर रहे हैं और एक अपने लिए एक नया काम या कुछ क्रिएटिव काम करने की हवाले से सोच रहे हैं, या कुछ कोई नया पैशन आपके अंदर इग्नाइट हो रहा है, एक नई एनर्जी आप अपने अंदर फील कर रहे हैं बाय एंडिंग दिस रिलेशनशिप. ओके, तो आप एक नया पैशन और एक नई एनर्जी, एक नया पैशन और एनर्जी आपके अंदर है और आप हील कर रहे हैं, इससे बाहर निकल रहे हैं एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है. बैड साइकिल इज़ गोइंग टू एंड नाउ, नया पैशन या कोई नया आपके कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे जस्ट पैशन नज़र आ रहा है उसमें, कमिटमेंट या लव तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट फिर भी आप हील कर रहे हैं, ठीक है. समथिंग इज़ एंडिंग एंड न्यू थिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट. अगर आप लव मैरिज रिलेशनशिप में नहीं है तो कम्प्लीटली ये रिलेशनशिप एंड है. अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं उस पर्सन के साथ, तो यहाँ पर जस्ट बैड साइकिल एंड हो रही है,
जो भी स्लो एनर्जी थी वो ख़त्म हो रही है, एक नया नई एनर्जी आप दोनों के अंदर, एक नया पैशन जो है वो इग्नाइट हो रहा है। ओके सो यहाँ पे देखते हैं कि रोमांस एंजल ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या देते हैं मैसेज। ये एक मैसेज है, कॉलिंग इन योर सोल मेट, योर प्रेयर्स अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। एक मैसेज ये है कि हो सकता है जो भी नया पर्सन है ये आपको हील तो कर रहे हैं, बट इससे जस्ट आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी दुआओं से हो रहा है, या फिर वो उस पर्सन की तरफ से हो रहा है कि आप जो है वो हील कर रहे हैं उस पर्सन के, ये नए पर्सन की को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आप हील कर रहे हैं। तो आपकी आपको लग रहा है कि आपकी प्रेयर्स अफर्मेशंस जो हैं वो पूरी हो रही हैं। आपकी एक डिज़ायर विश पूरी हो रही है। अगर आप इस पार्टनर के साथ जो भी डिले प्रोसेस था, इसी पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप को करना चाहते हैं इग्नाइट, सो यहाँ पर आपकी प्रेयर्स जो हैं वो हो रही हैं आंसर। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ओके सो आपको अपनी पार्टनरशिप पे वर्कआउट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लव पार्टनर ही हो। अनरिक्वेस्टेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। लाइक ये चीज़ यहाँ इसके लिए है कि ये रिलेशनशिप अनरिक्वेस्टेड है, अब आपको अब नहीं चाहिए। अब आप प्रे कर रहे हैं फॉर योर सोल कनेक्शन, आपको अपने सोल कनेक्शन के लिए प्रे करना चाहिए। अभी तो आप फिलहाल किसी कनेक्शन में नहीं आ रहे हैं इन द एंड ऑफ द मंथ में। आपको अगर आपको प्रे करनी है, अगर आपको अपने मनपसंद डिज़ायर पर्सन चाहिए तो आप प्रे करें। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप प्रे करें, और ये जो भी लव है ये अनरिक्वेस्टेड है, और अगर आप प्रे करते हैं तो आपको आपका डिज़ायर पर्सन दिया जाएगा। ओके और अगर आपने एक रिलेशनशिप तो आप एंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी नए पर्सन को चांस दिया तो यहाँ पर आपकी जो अफर्मेशंस जो हैं वो पूरी हो सकती हैं, आपका डिज़ायर पर्सन आपको मिल सकता है। ठीक है, ये एक मैसेज है आपके लिए कि अगर आपने सोच लिया था कि अब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं होंगे, तो नया पर्सन कोई भी आता है तो आप उस पर्सन को चांस दें। ठीक है, हो सकता है कि वो आपकी प्रेयर्स का आप नंबर बदल दिया गया हो आपको यूनिवर्स की तरफ से, कि आपने जो प्रेयर की थी फॉर सोल कनेक्शन वो पर्सन आपको दिया जाए। ओके सो योर विश इज़ गोइंग टू ग्रांटेड इन द एंड ऑफ द मंथ। ओके सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू पाइसेस, लेट मी नो इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।